बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे, आज तो हमारे पैसे दे दे, फिर अकेला भागता रहा। एक दूंगा एक सेकंड। आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। आप सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई। आंख बंद कीजिए और सोचिए। आंख बंद कर। हाँ। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा। सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखी। बोलो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। पेड़ ही पेड़ है। मैंने भी यही सोचा है, इसलिए सारी जमीन खरीद ली और हजार आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे भी लगा बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा आइडिया मिला यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ हजार आम के पौधे बचे हैं जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए, अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहां आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं एकदम ना। वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। तो अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे। हाँ अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ। बाद में मुझे नहीं कह रहे कि पैसे नहीं मिले। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए। अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू एक मिनट, बाजू पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है तो सब लोग आ गए भाई। हाँ भाई आ गए। मैं काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ, जिस जिस का भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर हो कह देना। ओके शाबाश। हरिराम नावेद 12,250 रुपए। अच्छी। हाँ प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। अच्छी। हाँ घर पे सब कैसे हैं? ठीक है ठीक है। चलो अबे ओए पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति शांति। देखिए शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने हैं मुझे आप लोग। इतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए ही है मेरे पास, बाकी के 13,79,900 रुपए कम। अरे पैसे निकाल निकाल पैसे निकाल। अरे तू निकाल पैसे निकाल। अरे क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सबने मेरी मदद ही की, मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई पाई चुका दूंगा। क्या करूं, मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस वो पटाखा बेच के हम सब की उधारी चुका दो। अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा, तो कहां से दूं आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर आएगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समुंदर में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। यदि तू समुंदर में डूब के जान देगा ना तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुंदर में। कूद जाऊँ? मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते
मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी अब सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई, बेकार के बाद छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। नहीं तिकड़म, नहीं तिकड़म। बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। आपने ठीक से ढूंढा? पिताजी, आपसे मिलने कोई आया है? फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू जी। पिताजी, ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए पिताजी? मैं जानता हूँ कि क्यों आए हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों, मैं कोई बंदर हूँ जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते, बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो अब इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। अब ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपए होते हैं। तंग आ गया हूं मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर, उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा है आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याह घर में पड़ी हुई है, ले देकर ये घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा, और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ, डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सके। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा, खुश। अरे मानेगी तब ना वो, सालों से बस एक ही सीट पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों कोस रहे हैं? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूं, हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो, जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ, और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगी तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारा तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे, अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। वोट फॉर राजा बाबू, वोट फॉर राजा बाबू।
मोर्ची के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना, तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला, तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा। ओह गॉड, कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो कभी उसमें, ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा, मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ, अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी, कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो एक हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है क्या? हाँ माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहाँ पर वो टोकरियाँ लेकर उठाते है ना लोग, तो चार मैंने भी उठा ली ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब कौन सा ही काम है रोज रोज करने वाला हूँ। आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा, इतनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। क्या हुआ तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का, बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है। लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तो फिक्र मत करो माँ, उसका रास्ता है मेरे पास, उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गाली या बद्दुआ मत देना और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि जीतू बुरा लड़का नहीं था, उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ उनसे ये भी जरूर कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। अरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आती। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है। कौन लोग हैं ये, क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं है। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ, दो पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं।
बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं, वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है, हमने तो बस वो ही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। वो यही कहीं होना चाहिए। ए राजू बा, बेवकूफ देखता नहीं है भला आदमी नमाज पढ़ रहा है? जा तू अपना काम कर। ए, वो देखो मेरी नाव। तो यहाँ तुम हो? मुझे लगा एक भला आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है। चल उठ काम और धोखेबाज। मेरी बोट आ रही है। मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखे 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 देखे, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1,50,000 रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1,50,000 मिलेंगे मिलेंगे ना। अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3। तीन मुझे आपको देने कितने? पौने तीन। बच्चे कितने? 25,000। बच्चे हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने बराबर? कब दोगे? क्या 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब, कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, अरे मुझ मुंडवा के खतरे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा, याद रखना। क्या हुआ? 1.5 3 4 3 25 और पैसे दिए कहाँ उसने? खबरदार कोई नाव में पैर मत रखना। जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है सब सामने खड़े रहो, और जब मैं रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। निकले मैं निकल कर तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चाहे निकल निकल तेरी माँ। एक भी मछली नहीं है? बांडिया या बांडिया बांडिया हाँ। ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये तो लाश है। है लाश है? हाँ? कौन बोलता है लाश है? लाश है। अरे इसका मुंह खोली देखो, सांस चली सांस ऐसे सांस चली। अब मुच्छड़ को क्या बोलूंगा मैं? ये सब मुच्छड़ को बताने क्या जरूरत है? इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। बराबर फंसाया है तूने मुझे। अब जैसे जाल फेंका तो पहले ये फंसा, तो जिंदा था तो मछली छोड़ किसको ले आया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर मुंह बंद। अरे भाऊ 15 अगस्त को आपको राष्ट्रपति के हाथों चांद मिलेगा। चांद? तो चांद को मैं चाटू? अरे वो चांद नहीं, स्वर्ण चांद, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। चल पैर पकड़, पैर पकड़। नहीं लाश के पैर पकड़। अगर ये लाश को मैंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया और यही पड़े पड़े मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। अरे बुला 3-4 लोगों को बुला। उठो। क्या हुआ? ये दवाइयां लेके आओ फटाफट, जल्दी जाओ। हॉस्पिटल में जितनी दवाइयां सब आधी आधी चम्मच पिला दो, ठीक हो जाएगा वो। अरे ऑक्सीजन का बाटला भी खत्म हो रहा है, दूसरा चढ़ाना पड़ेगा। पूरा बाटला खत्म हो गया? दांत के किस तरफ दर्द है? इस तरफ। रुकिए मैं बुलाता हूँ।
हॉस्पिटल की खिड़की खोल दो, जितना ऑक्सीजन चाहो मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? लगा मुझे है और खुद रो रहा है। यहाँ बैठो। बैठिए बैठिए। मालिक सब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पहले उसको रख के देखो होश में आया कि। अच्छा अच्छा। किधर? ये क्या कर रहा है? अरे मालिक, अरे मालिक कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्या हुआ? डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे नहीं आया। क्यों? अरे इससे दांत निकाले, पता नहीं वो क्या क्या निकालेगा। मुझे नहीं आया। दांत? एक तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, ये दांत बेचारा तकलीफ नहीं दे रहा, साले ने जबरदस्ती उखाड़ लिया। पता नहीं क्या क्या जाएगा यहाँ पे यार। जाएगा नहीं, आएगा आएगा। क्या आएगा? तेरी पतलून का नाड़ा। अब चलो तो आइए आइए आइए। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है। लखपति? लखपति तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चड्डी है। चड्डी नहीं, चिट्ठी है ये। ये 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 कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। इसमें इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र फेंक दिया। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई, उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बगैर इसके माँ बाप का पता कैसे लगेगा? इडियट। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इससे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। शाबाश। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आंखें खुल खस रहा है। हट हट हट। तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेने ना, सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे। मैं तेरे साथ हूं। बोल बेटे, तेरा घर कहाँ है? कहाँ है तेरे माँ बाप? कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हो? कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान पानी भर गया होगा। कान में पानी भरा है, मुंह में तो नहीं भरा है ना। बोल वो, देख वो। हम तेरे दुश्मन नहीं है, तेरे दोस्त है। ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। सही बात है। ए, तेरी जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे एडवांस। ये फिर से बेहोश हो गया। ए बाबा, ये पूरा पी गया, ये ठेका ठेक कटोरा पी गया। अरे रख रख, उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये बहरा है। बहरा? पूरी बाबा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा 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 जब्बा, देखो क्या बोला, इसको सुपर चाहिए, ये बहरा के साथ घूमता भी है। तो पैसा है तेरे पास? नहीं। तो और सुख का पैसा के तेरे बाप देगा? ऐसा जब्बा जब्बा करता है, जब्बा दबा के खाता है, ऐसा बेमतलब का सवाल मत पूछ उसको। साला खा खा के सांड जैसा हो गया, बुका पाटा। ए किधर से आया तू? तेरा घर किधर है? अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको, पूछ उसको कि तेरा घर बार का है, पूछ। ठीक है, तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है?
और सूप मांग रहा है, सूप नहीं घर बार। चुप है, बुढ़बक खाने पीने की बात करता रहता है, अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो वाले, तेरा गांव कुआ कुआ पानी, तेरा गांव किधर है, किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है। जबा जबा, ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ लातूर। अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक, इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्न 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 गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक, रत्न गिरी रत्नागिरी रत्नागिरी। गलत समझा है, मैं इसको यहां के बारे में पूछता हूं, कोलकाता के बारे में। कॉल कॉल काटा। ए मालिक, संभल के पूछो, इससे नहीं तो काटा लगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इसे 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 बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? बोरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। बोरी, अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर, ए निक्का चंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है, जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया। हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। ये वो चीज? तो आपको क्या लगा हमको सोना चांदी मिला है? ये कौन है, कहाँ से आया है? जब तक इसका सही पता नहीं चलता इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण इसको हम अंदर भी तो नहीं रख सकते। फिलहाल इसे तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूँ, और जब भी मैं बुलाऊं इसे लेकर यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। खर्चा पानी इसका? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई खर्चा पानी नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। जाओ। ये भी कुछ जीना है साला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल, और ऊपर से कंधे पे ये बेताल, और दोनों हम टोटली कंगाल। जबै साले, मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा महिला होके पास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ, चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं क्या घसीट रहा हूँ? जब तू ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा? अरे नहीं, बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। जेब चाहिए, जेब चाहिए। निकलना मत, निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है, छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत, छीनो मत। क्या बदतमीजी है मालिक? अरे बाबू मोशा, तीन चाय खाबो, दो बराबर, एक बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा? अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ गई तो ये हर रोज धक्का मार मार के लेके आएगा। बाबू मोशा, ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। काहे काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे ना मालिक। पैसा तीनों को देने वाले, गाली दे रहे हो? मालिक, आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छोड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक, मुर्गी ने दिया। जब क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अंडा? इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। ले जाए, ये दूर दूर। ए ए
शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय की शक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। हाँ तो तू ही पैसा दे दे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा, उसको भी दे। जब्बा भूखा होगा। जब्बा 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 मालिक जब्बा गया गया। हाँ गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। अरे उल्लू पकड़, उसको पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो हेलो, मैं जीत। कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो, मैं जीत का दोस्त बोलता हूँ। मोहन जी है क्या? देखिए, पैसे अभी तक मिले नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है, अब तक लाश मिली नहीं है, इसलिए ये तो तय है कि वो मर चुका है। जिंदा होता तो अब तक पता चल जाता। आपको कितने लेने हैं? मालिक वो देखो, वो देखो, दांत पाठा यहाँ छुप के बैठा है, रंगे हाथों पकड़ लो उसको। पाठा अंदर घुसा है। इसमें बोलना पड़ता है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। रख। ये क्या, ये बिल ऐसे निकल आता है क्या? मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। चल चल, ए पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे फोन का। ये बोल नहीं सकता है, गुंगा बेरा है, खाली फोन पकड़ने का पैसा बात करता है। ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। देखता हूँ कैसे नहीं देता है। देखता हूँ। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या बोला, क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको। तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा, मुझे देख रहा है। अरे मार 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 के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। ये ले ये ले ये ले ये ले तेरा पैसा। ले चले मालिक। क्या देखेगा तू? वो मेरे को मारेगा, तू देखेगा। क्या देखेगा मालिक? क्या वो फिर से गायब हो गया? अरे इधर तो था वो, कहाँ गया है? इधर तो तू साला, उधर बैठ के क्या सेठ बनेगा मेरा? ढूंढ उसको। अभी इस पे नजर रखना, कहीं बिल्ली की तरह सटक ना। चल 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 चल। आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा, मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सर ही नहीं है। जाना के नाव खोल, नाव खोलना। साला बुद्धा मर भी नहीं जाता है। इतने दूर मैंने नाव, बहुत साले मुच्छर गुजराती की वजह से ये नाव मैंने यहाँ पर छुपा के रखा है, ताकि उठा के लेके न जाए। कब तक छुपाएंगे? वो मुच्छर ले जाएगा बोल बोल के। हफ्ते भर से नाव को पानी में नहीं उतरने दिया आपने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पीपी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समुद्र में चाय पानी का दुकान खोलूं? खोल इसको। खाने पीने में घास फूस और कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली, ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ, मैं हूँ। उधार लेते हो, वापसी नहीं करते हो। तो कहाँ से दूंगा साले? एक तो जेब खाली, ऊपर से सफेद कपड़े में भूत ना चला है मेरे सर पे। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ है। मानिया इधर, 24 घंटे के अंदर अंदर तूने इस मुसीबत को यहाँ से फुटाया नहीं ना, तो मैं तुझे बोट में चढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ तो आप भी नहीं सकते हो। क्यों मानिया? क्यों? 20 घंटे के अंदर नाव ले जाने की धमकी दी ना उसमें चढ़ने। तो नाव खोलना, खोलना। हेलो बारिया खुल रहा है। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब साले एक दूंगा गाज पाठा। कहीं भूत हो। अब इस बोट को आराम से बेच सकते हैं। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा, पहले इस कमीने को अंदर जाने दे। ए, अपना दायां पैर आगे रख, शायद इस मनुष्य के कदम हमारे लिए अच्छे हो। ए, दायां पैर आगे रख। ये गुग्गो, दायां मतलब ये पैर आगे रख। यहाँ पे साला दो पैर फिर भी समझता नहीं है। घूम, ये देखो पीछे जा रहा है, सूरे बच्चों पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा, बेवकूफ नाव आगे जा रही है। गई नाव पानी में।
और मुझे नाव लेके जा रहे। पानी पानी में कूद, पानी में कूद, पानी में कूद। मैं पानी में कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छड़ लेके चला गया ना। ये साला मनुष्य जहां भी कदम रखता है गुंडा है। मत मारो मालिक, मेरा नाव चले। मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर। फिर? और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। लबों का छोड़ा। ए, अंदर क्या कुछ सोचो? मुच्छड़ जाके तेरे मुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है। हाँ, और साथ में गुंगा बहरा भी है। और बोलना उसको कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो हम कुश्ती लड़ने को भी तैयार है। बोल जाके कुश्ती। हाँ कुश्ती, जा बोल जाके उसको। चलो मुच्छड़ कोलकाता में रखे बंगाली और नेपाली के जगह गुजराती को चौकीदार रखता है, कल उठ के यही चोरी करे। पहलवान छो? अरे पहलवान के मारुति वाहन कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल उसको। तो तुम्हें जाओ अंदर। चलो नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। धोबी धोबी ए रुको। चलो हाँ चलो 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 वहां नहीं, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। आओ आओ मारती, क्या लेने आए हो यहाँ? नमस्ते सेठ जी, आप वोट लेने आया हूँ। वोट? ये गुजरात है गुजरात, यहाँ ना वोट है ना बाटली है, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, पेट पे लात मत मारिए, गरीब आदमी हूँ। तो इतना रीरी क्यों कर रहा है? पूछे बोल। उस दिन क्या बोल रहा था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? बोलता है मेरी मूछें मुंडवा के गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाएगा। जल्द निकाल मूछ मेरी। आप मुझे याद नहीं। अबे निकाल निकाल, मैं कहता हूँ मूछ निकाल। मैंने ऐसा तो नहीं कहता। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे। तूने कहा था ये गुजरात नहीं है, मेरा इलाका है, मेरा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा, ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे, बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप रखो खाता, चुप चुप। नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी बुराई किए बिना तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की कसम, मेरी माँ को उंगली दिखाता है। प्रणाम करता हूँ माँ को। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा, अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आदमी उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। ए क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो वोट वापस मिलेगी और मेरा पैसा तो उधारी माफ। माफ? हाँ। पक्का? पक्का, सबके सामने। हाँ। चलो 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 चलो। माँ आशीर्वाद दे, तेरे बेटे को पछाड़ करूँ, आशीर्वाद दे। जय माँ दुर्गा, माँ खलास कर दे। वापस क्यों हो गया? ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है ना। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ
मैं किसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम सूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल अभी पता चलेगा। कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। तीर दे और तीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। ये गुंगा है, ये गुंगा है, इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गुंगा हूँ, इसको बोलो मारना बंद करो। अच्छा छोड़ो, जरा छोड़ो। देखो ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। हाँ ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, देखिए देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं हा? एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जर जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? सेठ जी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया, मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठाया ताकि चिलके हुए उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है, गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते तुमको यही रहना पड़ेगा। मले मले, आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे मले मले? तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया,
ए बाड़िया, तेरी जुदाई का गम में सहलूंगा बाड़िया, सहलूंगा, जा मौलिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा है। देखा देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों अपना ख्याल रखना, और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना? नहीं होती है मालिक, मत जा, मत जा, मत जा। मैं जबान दे चुका हूँ, जबान वापस ले लो। लेके जाओ इन भांडों को, इनको अलग करो। सुखी खा दिख रहा? अरे बैग ले रहा हूँ। जो बेचारो रड़तो रड़तो जाए छे। रड़ने दो, ऐसे ही सबक समझेगा, अब पता चलेगा कि मैं कितना चाला। गुंगा बेरा भी गया, बोझ भी गया, और नाव भी मिल गया। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुंझुन वाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला, मैं इसको सुनता कर दूंगा। जबा, जबा। क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। अपनी तुम कहाँ जा रहे? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं है। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो, लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया डांडिया, देख हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाजपाठा, तू का कलेक्टर बनने वाला, जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई कर, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो, ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं?
15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा, हेलो। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, नथी। थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नथी। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूकरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंगरा है, घाघरा, घुंगरा, घुंगरा, घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलूम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना, जाके कपड़ा दो। पैंट गीली कर रहा मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े है, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे पार डालेंगे। हाँ, शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू, हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू, घाघरो ने छोड़ी? हाँ हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो छोड़ी? आप दो ना, आप दो ना, आप दो। लाज वगर ना, तने आ घाघरो छोड़ी जो ये छे? जो ये छे, जो ये छे, जो ये छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। जबाला, डाला। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। वो तो मारा? वहाँ भी मारा। जबाला ने रोता क्यों, आप कहीं मत जाना। हाँ, यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, पिये ले, प्लेट ले, दो। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अचार जोइए छे? हाँ जोइए छे। आले चार, एक बे तीन चार, ये क्या है? पांच छ। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धोऊं इस खाने के लिए? गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है।
तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा तो तुम्हें फाइव स्टार होटल से खाना ला के दे, जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है। हाँ, चाय चाय मांग रहा है। चाय जो भी ला रही हो दो लाना। ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। श्रुति, 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 चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम एक मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना, ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा है? सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। मारो। ये गूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। ये थड़े दे, ये तेरी छोड़ दे। हाँ बाबा साले। कुछ भी हो, मंगल मंगल मंगल। अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। रुको रुको रुको, बंद करो, ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो? तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ सकता हूँ, समझा कि नहीं? ए, चल फुट। ए, क्या फुट? संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू क्या हुआ? तो साहब मैं कह रहा था, टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मेम साहब की। अच्छा तो ये है श्रुति का पति? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मेम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो, ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना।
देखो सेठ जी, फंसाओ मत मुझे। पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति नेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा के बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? हेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। Hey, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। Hey! साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस, ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब, ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ, आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा हूँ। सच बताऊं, मेरी एक किडनी नहीं है। तो गूंगा क्यों बनता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था काम वाम मत करना, नहीं तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा बेरा बन जा, इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा। प्लीज प्लीज, जब तक मेरे चाचा पैसा लेके नहीं आते मुझे ये रहने दीजिए। एक किडनी वाले का दर्द आप लोग क्या समझेंगे? मुझे और लाइए मत प्लीज। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना तो मैं इस घर में रहने वाले एक एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या? वो कैसे?
मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। ठीक है इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे, समझे? चलो जाओ। ओके। कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठे दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एडवर्ड तेरे सपने में समझ गया। ये देखो श्रुति दिकरी की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम तो आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसी नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे। चलो चलो चलो। श्रुति दिकरी दिख रहा, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिख रही, वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले ले दिख रहा। अहमदाबाद की दो कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है, तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मैम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर रखे? मंगल तो बेचारी ने लग्न नक्की करे आशे ने। बराबर, मंगल बिना सोचे बिचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बिचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया है। श्रुति तारे तारा भाई बात मानी ले भी जो ये। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, अरे ये क्या, ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना। चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए पागल। ए लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। ए आई हम बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे वो ये वो पहलवान का कुर्ता है,
नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। मरूंगी ना तुम्हें, प्रेम पत्र नहीं लेता, ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक। संदेशा है, गुजरात पहुँचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुँचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुँचाए गुजरात तक इतना ही काफी है। ये लो मेरी आवाज। आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। हेलो, जयचंद राठौड़ बोलू छू, तमे कौन? कोई जयचंद राठौड़ है, तुम बात करो। अरे तुम भी पढ़ो ना। अच्छा ओके ओके पढ़ो। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। ओके बराबर बोल बोल बोल। अमे बे वर्ष थी प्रेम मा चाहिए, अमे बने एक बीजी वगर जीवी नहीं है शकिए, अने जो कोई माँ नो लाल वचमा आवी अने श्रुति नी साथ लगन करवानी कोशिश करी तो अमारा बंडा नी लाश तने मंडप मा जोवा मनशे, समझियो के शू। गप्पर सिंह नहीं वाला, सबको उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो। अच्छा, और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है। हा? और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा, और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तुम दोनों की शादी टूट जाएगी। ऑफ कोर्स टूट जाएगी, और इसकी जिम्मेदार तुम होगे। ए देखो ये तो पापा 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 है। हाँ ये पापा पापा, यही रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। ए सुनो, मैं संदेश तुमने भेजा है? अमारे त्यां संदेश नहीं, गुजरात समाचार आवे छे। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेम संदेश की बात कर रहा हूँ, अखबार की नहीं। अखबार એટલે શું? ચોકોબાર ખબર છે, બિયર બાર ખબર છે, બીરબલ અખબાર ખબર છે, અખબાર નથી ખબર। देखो तुम्हें अगर प्रेम पत्र लिखना है ना तो उस भाषा में लिखो जो मुझको समझ में आए। शू मतलब की? अब मैं इसको पढ़ता हूँ, तुम मुझको इसका मतलब समझाना, ठीक है? ओए कुकर है, लाइट में है। हूँ श्रुति ना आशिक बोलू छू, हमें बेवस्ते प्रेम चाहिए, हमें बनने एक बीघा बगर जीवन ने चके, अन्य जो कोई माई का लाल पाछो हाथ पर अन्य चेरी मत चाले। बोलियो तू खदे आ कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, हाँ? नहीं, 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 आप मेरी बात सुनो। भैया उसे मत मारिए, प्लीज। नहीं। क्यों किया तूने? किसने कहा था तुझे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे, बताओ। आप बीच में बताइए काका, इसी कमीने ने फोन किया था, इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है? नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है।
ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए, उसे छीन कर भाग रहा था। एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं, हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है। तो तमे इमनी शर्तों मानी ली थी? जी मान ली, मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे सिवाय मेरे बहन के। क्या समझते वो लोग, मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं से फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं, मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल फिक्र क्यों करते हो? मंगल वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी, मुझे माफ कर दो, हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था, उस पहलवान का पहला गुस्सा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं, आज ही रात तुम यहां से चले जाओ। चला जाऊं कहां? कहीं भी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा। क्या 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहां से जाने के लिए कितने चाहिए? हम 13,90,000 बस, इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओ, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15,00,000 दे दूं तो? क्या? तो सादा पक्का, एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी रुक, क्या समझती तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है, और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती गुजराती नहीं आती, और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा, उस कागज में लिखाई तेरी है ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले, उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना वो भी तेरी वजह से ही टूटी है, और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बूम, गुड नाइट। गुंडिया भाव, रुक जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है ढेमना साला। गुंडिया गुंडे मत बनो, अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे लात मार उसकी नौकरी को, साला नौकरी मैं तुझे दूंगा, कल से आ जा मेरी बोट पे। अरे मैं बोट पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया घुसेड़ के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझता नहीं है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी पूंछ। देखो गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साले ये कोई जवाब है? ये गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत हो जा। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं,
आपने जबान दिया दिया, अभी गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, हमारी बात में बीच में नहीं आने का। हाँ मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए, लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मंगल अंदर है। अरे मैं कोई मंगल छनी से नहीं डरता हूँ, और मैं भी खारवा का बेटा हूँ। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को, ढक्कन खोलता हूँ तेरी मंगल बाटली का। बोला एक हाथ नहीं लगाने का, बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, उससे जो हुआ वो एक भूल थी, दूध वाला, जिसका मैं प्रायश्चित कर चुका हूँ। हेलो सर, नौकरी पे रखा है मैंने उसे, 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला संभाल के रखना, यहां से हिलाना भी नहीं। मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा। चोर स्त्री चोरी? अरे नहीं नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा जबा जबा बना नहीं। स्त्री गायब, साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। देखो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही सारे कागज चला दे। पैसा मिला? जी नहीं मिला। तो फिर यहाँ हाथ लटकाए हुए किस लिए आए हो? एक नंबर के निकम्मे हो तुम, पैसा वसूल नहीं कर सकते। जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था ये कंपनी डूबेगी। मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो। मैं क्या बताऊँ सेठ जी, वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाक था कि सब उसकी बातों में आ गए, मैं भी आ गया। अरे पैसे तो मेरे डूबे ना, तुम तो कह रहे थे वो पानी में डूब कर मर गया और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, क्या हुआ उसका? उसका बाप बोलता है कि अभी तक उसकी लाश मिली नहीं इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ, बकवास कर रहा है उसका बाप। उसका बाप पैसे खा गया होगा, जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अजी गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके, अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर जला देंगे। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं वसूली, इसे कहते हैं लेनदार, इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी। हिसाब लायो। हाँ हिसाब ये रहा, ये रहा। एक मिनट, ये जीत के बच्चे ने मेरा भाई साहब, ओ धोती वाले भाई साहब सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो, रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे गई, वो भी गायब है। उस साली की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो, पूरे गाँव को धोखा दिया उसने, भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने, उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। जब भी कोई जरूरी काम होता है ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया,
5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो जल्दी से इसे गिन लो, बराबर है कि नहीं, और आ जाओ। भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा, अगर उसने कुछ। नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा, और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक तो उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब, साहब उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके। वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा, जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना, तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो काका, कैसे काका? हुआ ये? कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक तो ना? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया, फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया, फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया, यहाँ आया क्या? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को चलाकर राख करते, मुझे वहां जाना होगा क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता, किसी को कंधा देना होगा मेरे शरीर को। ये मेरा दूसरा जन्म था, बिना कुछ सुने बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। चला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है,
तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया, उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, वो सब मिलाकर बता रहा हूं। इनी माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को, तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर? अच्छा, तो वो सब मंगल भैया से ही पूछना। देवियो देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना, वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो, और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बार पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना, इस बार ये चांस इनको देते हैं, अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा, और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जय वेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं ही चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बाइक वहीं पकड़ा दूंगा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। अरे तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैग जाती। चल ठीक है। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना, जीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। द फोर्स। बाहर निकलो, 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 बाहर। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है, क्या बात है? अब, 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 आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए, ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या, घर जलाने? हाँ जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए, और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए।
अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला आया पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चलवे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या? बैग में पैसे देने आया? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और। क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोल ले बेवकूफ, खड़ा क्यों? खोल ले, खोल ले, देखते हैं। खोल, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो, तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था, मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन, मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूं मोहन राव, देख लिया? चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी है, ही अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ, पति 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 काय का पति रखू और कुछ है? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट के गुद्दू घर को आए। भगवान, ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। रावण के खानदान साले, मछली काट सुअर की तुम, चिलिया का मुंह साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना दोस्त। अच्छा मेरी बात सुन तो, एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ। तो ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। छोड़ दिया? मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो, बाहर कपड़े रखे हैं, जाकर धोकर आओ। फिर क्या? पति पति कहे का पति? बोल के थूका उसने। एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है। अंकल है ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था, वो जहां भी रहे खुश रहे।
मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तू चुप रह गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही, अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं, पूजा हमेशा इसी इंतजार में रही कि मैं कब उससे शादी करूंगा। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की, अब और नहीं करना चाहता। मैं मर गया हूं यही सोचकर आज उसने शादी की। अगर मैं वापस गांव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसकी बसी पसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो तुमने यही रहने की ठान ली है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ बस थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आप लोगों के साथ यहीं रह जाऊं। अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ। तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं? हाँ? है? सच कह रही हूँ, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 नहीं। अरे पसंद है या नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं। मतलब पसंद नहीं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? चालू। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो तो आप लोग मजाक कर रहे थे तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। तुम्हारा कपड़े देखना भी आ गया। अब तुम्हारा कपड़े देखना। मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया, वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे। बस एक वादा रह गया जो उसने तुमसे किया था। अब यहां रहकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सवाल सिर्फ एक मंगलसूत्र का ही तो है जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी बचपन से। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पा रहा है। इस शरीर से मेरी जान जा सकती है लेकिन जीत की यादें नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। यही मेरा सुख है कि मैं जीत की विधवा हूं। मजाक उड़ा रही हो? आया रे, आया रे। आया रे, आया रे, ये दिल तुम पे आया रे। ओ सनम, ओ सनम। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में? चलो अच्छा, कम से कम मैं आपकी कविता लिखने के तो काम आया। वैसे ये शौक आपको अचानक कहां से जाए? हिरन? नहीं, अरे
मुझे बंदर बुला रही थी। नहीं क्या है? अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताओगी क्या है? क्या दिखाना है? एक दूंगी ना, इतनी मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं, अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना। अरे श्रुति के दिल में उसके लिए, लेकिन श्रुति ने कुछ गलत। जानता हूं मैं अपनी बच्ची को, क्या लगता है वो गुंडिया भाव का? वो भतीजा। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा है गुंडिया। नहीं मैं घबरा गया। जब भी घबरा जाता तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते हैं, चलेगा ना? आप फिक्र बोलो। नहीं चलेगा, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो, मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडे तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो, कई रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूँ उसे उसी की तरह एक लड़का मिले, ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ न बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है, लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नजर में है कोई ऐसा लड़का? है, है, लेकिन गुजराती नहीं। तुम्हारा भतीजा दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब शादी? सोच लो फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है, मुझसे पूछना चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात सोचने की जरूरत नहीं है, ये हरगिज नहीं हो सकता। ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है, पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला
उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास तो बोलेंगे उनके लिए, कान है ना मेरे पास सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी, और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा, लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या क्या कहा? क्या क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो। नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया, मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं हूं। भैया, मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया। चाची जी, ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी में ही आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत? अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो? तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है, तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज देखता हूँ कि बास के मुंह से सुन रहा हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो? मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा। हटे आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ कह सकता हूं, लेकिन धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है। कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे, बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है, तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उसे कुछ नहीं करेंगे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया। आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, ये क्या कर रही थी तू? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे घर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं, तू भी तो वही कर रही थी ना। देखो देखो, तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं, नहीं रोते। बेटी, जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी।
मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ, ये तेरा सेठ है ना, उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ अभी बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया सेठ तुम्हें अंदर आओ। साला मच्छर का मच्छर। मालिक, ओ मेरे मालिक, 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 अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो, मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा हूँ। बेटा नहीं भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले लिया। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे। मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान मालिक, अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला हट, हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? गुर्का, गुर्का, गुर्का। एक मिनट, एक मिनट, तू क्या बोला? मुँह कहीं नहीं बोलियो। ये तो बोलते कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तो, ये पकड़ तो जा। मरोगे, आज मरोगे। देखो कौन आया है। आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूँ मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है, ये तुम्हारे लिए। चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं, वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ बुलाओ उसको, बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा, लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो, देखो। ए, ए। चा। चाचा समझा? समझ गया, आप मुझे चाचा कह रहे हैं। मैंने कुछ सुना जी। हा? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। ए, क्या? मेरा पति ने बोला, मेरा पति ने पहली बार बोला, पहली बार बोलना, बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। हा? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है, मां कसम सेठ जी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोलने की एक्टिंग कर रहे हैं। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल के तो गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गुंगा बेरा नहीं हूं, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि आप मुझे समुंदर से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच? किस रिश्ते से ये तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एकाध भाई का बेटा, तो हुआ ना मेरा भतीजा।
हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम, जो भी हो तुम इसे यहां लाए हो इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ आपके और पांडिया की वजह से हूं, नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये जीत के घर दे आओ, इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूं कि वो उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करे। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहां पर आकर ये दावा करे कि मैं उनका वारिस हूं। ठीक है चलो। नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए। ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी क्या करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की। जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा। हाँ आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी, आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूं मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ वो मर गया तो क्या हुआ, आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना, कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। रही पिताजी। नहीं मैं नहीं आऊंगा, जिनको बोलकर आना है आ जाओ, फिर हमें तुरंत जाना है। चलो मुझे कुछ दिन दीजिए पिताजी। नहीं मैं जरूर आऊंगा। नहीं तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। देखे ऐसे पल में मुझे यहां से खाली हाथ मत जाने दे। मेरे लिए ना सही, अपनी मां के आंसुओं के लिए ना सही। जिस दिन तू समुंदर में कूदा था उस दिन से एक लड़की हमारे घर में तेरी विधवा बनकर जी रही है, पूजा। पिताजी तुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके आंसुओं के बारे में।
जिन हाथों को तूने पकड़कर चलना सीखा था उन्हीं हाथों को जोड़कर मांग रहा हूं, आज तुझे मेरे साथ चलना ही होगा बेटा, इनकार मत करना। जीत मिला ही नहीं। अरे मैं बताया क्यों नहीं आपने? जीत बेटा बात सुनो, ये वर्मा जी हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, दिल्ली से हैं। ये मुबारक हो जी, ये गोलोत्रा साहब, ये कपूर साहब। अच्छा सुनो बेटा, मंगनी की रस्म शुरू होने वाली है, सब लोग इंतजार करें। चलो आओ आओ भाई आओ वर्मा जी। मैं लेकर आता हूँ उसे। अब वो इस घर का सदस्य है, आपका बेटा नहीं है। मेरा बेटा कैसे नहीं है? मैं भी देखता हूँ कि मेरे खून पर मुझसे ज़्यादा किसका है। मेरी बात सुनिए, खड़ा मत खड़ा करिए। क्यों ना कहूँ, मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ठीक है तो फिर जाइए, जाइए अंदर और मांगिए अपना हक। पता है अंदर क्या होगा? आपकी आंखों के सामने आपके बेटे की मौत होगी। देखना है आपको तो जाके देखिए, जाइए ना जाइए। क्या आप जिम्मेदार नहीं है उसकी इस हालत के लिए? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए, आप जाइए यहां से। जब आपने एक बार मान लिया है कि वो मर चुका है तो फिर से उसे जिंदा करके आप अब क्यों मारना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा था वो सच है? मरे हुए कभी लौट कर वापस नहीं आते, और जो ऐसा सोचते हैं वो सरासर बेवकूफ है। और जानती हूं उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तुम। उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम कैसे अपने आप को उसकी विधवा कह सकती हो? अभी निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रख सकता। चलो निकलो। ये क्या अनाथ-अनाथ पक रहे हैं आप? अब इस घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, निकल जाओ। तो तूने उसे देखा? तूने उसे बुलाया लेकिन तेरे बेटे ने घर पे आने से इनकार कर दिया, यही ना? अब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा मुंह बोला पति तुम्हें कितना सारा प्यार करता है? अगर वो तुम्हें चाहता ही नहीं है तो तुम इस घर में क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो तुम इस घर में? हम दोस्त हैं बचपन से। जब मेरे घर लक्ष्मी पैदा हुई तब न जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी बेटी इस घर की हुई। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे, अब तुम्हें मैं जिस किसी के भी कदमों में फेंकूंगा उसी से ही मंगलसूत्र बनवाना होगा, वरना इसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा जला दूंगा, और वो भी देखना होगा तुम्हें। मैं घर जा रहा हूं, पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी ही चाहिए, इतना तो मुझे करना ही चाहिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा, बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मिले। लौट आया, मेरा बेटा लौट आया,
मुझे माफ कर लीजिए पिताजी, पता नहीं कहां जाकर मैं अपने पाप धो पाऊं। बच्चा कुछ मत कहो बेटा, अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा घर चलो, घर में दो लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं। चलो बेटा। तुम्हारी तपस्या इसे वापस लेकर आई है। अरे अब तो रोना बंद करो, अब से जीत तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा। बेटा अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना, ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कल मेरी शादी। मजबूर था कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए मैंने अपने आप को वहां बेच दिया। अब मैं आपका नहीं उनका हो चुका। देखो बेटा ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है, तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है, तुम्हारी विधवा। अगर इसके आंसू की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर इस बिचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तू, किस मुकाम तक पहुँचना चाहता है? हा? अगर उनसे कहे कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। पूजा मुश्किल है तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। जीत, तुम जो चाहे मांग लो, मैं अपना सब कुछ बेच बाज कर गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकरा, मेरी बेटी को मत ठुकरा। कहाँ है वो? तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था, ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने, अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर तुम ही सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है, देखो बेटा पूजा तुम्हारा बिता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तुम बैठो, चलो 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 अंदर बैठो, चलो चलो सोचने से कुछ नहीं हुआ, चलो। मैं अपने घर तक बस। एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास जाकर, अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का? एक बार तो उस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं, अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम दोनों खुश रहो।
शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करे फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पियो निकल यहाँ से, चल। आइए, नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। कंग्रेचुलेशंस। ये तीन चार लोग आए हैं दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट। आइए आइए अजीत, ये मेरे पिताजी। ये इसकी मां है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहां आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ वापस, वापस देना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ यह शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। बस कर बस कर, और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? भैया ये मेरे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकते, बेजुबान है। जन्मी हो सिर्फ तुम। मैं नहीं, तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। Thank you.
भैया। किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खूना ना, आज उसे भी मौका मिला। चलिए वो अबोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी, उसे छोड़कर कहां जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम इसे कोई भी नहीं। और दुख नहीं दूंगी मैं आपको, हमसे विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबा को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा, ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूं। शादी हो गई, मुझे मेरा मंडप मिल गया। Yeah!